हेलो, दिस इज एकांश भारद्वाज। माय कमिंग मूवी मदमस्त बरखा रिलीजिंग ऑन 29 मई। फिल्म एक बॉलीवुड हिंदी मेरा डेब्यू हो रहा है और एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसमें मेरे साथ में है लीना कपूर। फिल्म को हमने दिल्ली और दिल्ली के नियर बाय हमने शूट किया है। अराउंड 20 to 20 days का हमारा शेड्यूल रहा और काफ़ी मज़ा आया काम करके। सभी लोग बड़े सपोर्टिंग थे एंड जिस तरह का जो मेरा कैरेक्टर है उसमें, जैसे आप सभी लोग हैं, आप उनमें से बहुत सारे फोटोग्राफर हैं, वैसे ही मैं एक फोटोग्राफर हूँ। आप लोग जर्नलिस्ट फोटोग्राफर हैं, मैं इसमें एक फैशन फोटोग्राफर। होता कुछ इस तरह से है कि मैं दिल्ली में हूँ और मेरा एक दोस्त है रणबीर जो कि मुंबई में है, वो एक आर्मी ऑफिसर है और उसकी मिसेज है लीना कपूर। किसी काम से बॉर्डर पर जाना पड़ता है रणबीर को और मेरा दिल्ली मुंबई आना होता है। वहीं उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। लीना कपूर जो कि बरखा कर रही हैं, उनकी और मेरी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और फिल्म में आगे दो तीन मर्डर होते हैं। सस्पेंस लास्ट में खुलता है कि मर्डर किसी और ने किया था और जिसको अक्यूज़ मान के चला जा रहा था वो कोई और था। सो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है, अच्छा एक सस्पेंस क्रिएट करके और थ्रिल दिया गया है। उम्मीद करते हैं दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। सर, कितने गाने हैं इसमें, क्या है, कैसा, कहाँ कहाँ पे शूट हुआ है? फिल्म में सिर्फ दो ही गाने रखे गए हैं क्योंकि सब्जेक्ट कुछ इस तरह का था कि लगा नहीं कि इसमें गानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। म्यूज़िक दिया है राज वर्मा ने जो कि पहले भी मेरे साथ कर चुके हैं। मेरा पिछला वीडियो ग्रेसी के साथ जो था दीवाना बना दे, उसमें ही म्यूज़िक उन्हीं का था। तो एक बार फिर से वो अच्छा म्यूज़िक दे रहे हैं और अच्छा म्यूज़िक आप सभी को अच्छा लगेगा, देखने वालों को, सुनने वालों को। फिल्म को हमने शूट किया है मुंबई और मनोर, साथ में पालघर रिवर साइड्स पे। कैसे मिली ये मूवी आपको? दरअसल ये नवंबर की बात है जब मैं दिल्ली में था क्योंकि इलेक्शंस और वो सब चल रहा था, तो मेरा जर्नलिज्म चल रहा था। और उसी दौरान मुझे कॉल आया जो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनका कि सर ये सिंह मल्टीमीडिया जसपाल जी हैं और इस फिल्म के लिए बात करना चाहते हैं। ऐसे ठीक है, आप कॉन्सेप्ट भेज दीजिए। उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट भेजा, मैंने पढ़ा उसको तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको डन कर दिया। उसके बाद शूट स्टार्ट हो गया। तो कह सकते हैं कि लक था और लकीरी मिल गया, और सब्जेक्ट अच्छा था इसलिए मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको हाँ कहने रिलीज होने में कब तक रिलीज हो जाएगी? में। फिल्म को कंप्लीट कर लिया गया है, फिल्म सेंसर में है और रिलीजिंग डेट इसकी 29 मई रखी है। 29 मई ऑल ओवर वर्ल्ड हम रिलीज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड फिल्म रिलीज़ होगी और उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। सेट पे कितना मस्ती करते थे क्या? ऐसे सेट का कोई वो बताइए जो याद हो कि मतलब। देखिए, वैसे तो हमारी पूरी यूनिट बहुत अच्छी थी। मैं था, आशीष जोशी एंड जोया राठौर, लीना कपूर, एक सभी की अच्छी एक फैमिली जैसा माहौल था वहाँ पे। और एक बड़ा ही फनी सा इंसिडेंट मुझे याद आता है। फिल्म में एक सीन है जहाँ पे मैं ये कबूल करता हूँ कि मैं जोया से, मतलब जो फिल्म की सेकेंड लीड है, उनसे प्यार करता हूँ। लेकिन वो सीन में जब मैं करने गया तो बड़े ही लाउडली वो मुझे डायलॉग बोलना था और मैंने बोला हाँ, मैं लीना से प्यार करता हूँ। मतलब ये सरप्राइजिंग था और शॉकिंग था सभी के लिए, बिकॉज़ लीना एक रियल नेम है और उनको लगा यार ये क्या हो गया, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन बाद में सबको क्लियर हो गया, नहीं, यार वो इत्तफाकन हो जाता है कई बार ऐसा, क्योंकि सर लीना की और मेरी केमिस्ट्री ऑफ द कैमरा, फ्रंट ऑफ द कैमरा, दोनों जगह ही अच्छी थी। सर इस फिल्म के लिए कितना मेहनत करना पड़ा आपको? देखिए, हर काम को करने के लिए मेहनत तो ज़रूरी होती है। जहाँ तक इसको करने के लिए मेहनत की बात है तो डेफिनेटली मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इस फिल्म को जब मैं करने आया था उससे पहले मैं जर्नलिज्म में था और वहाँ पे पूरी तरह से ढला हुआ था। मैं एक एंकर की तरह, मैं एक पत्रकार की तरह, तो मेरी जो भाषा थी, यहाँ तक कि अभी भी शायद ठीक नहीं हो पाई है, वो भाषा कुछ इस तरह की थी, मेरा डायलॉग डिलीवरी कुछ वैसी ही थी। तो 7 days का इसके लिए हमने एक वर्कशॉप किया और उसके बाद फिर हम लोग इसको शूट पे गए। सर पहले आप टीवी शो भी कर चुके हैं। हाँ डेफिनेटली, पर टीवी और फिल्म दोनों में बहुत फ़र्क है। मुझे दोनों जगह मज़ा आता है, चाहे वो टीवी हो चाहे वो सिनेमा हो, लेकिन फ़िलहाल मैं सिनेमा को एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे कुछ अच्छे और भी कुछ फिल्म्स हैं, कुछ अच्छी स्टोरीज मेरे पास आई हैं जिनको मैं कर रहा हूँ आगे। तो फ़िलहाल मेरा कंसंट्रेशन है कि मैं बॉलीवुड में ही आगे कंटिन्यू करूँ और सिनेमा पर ही फोकस करूँ। सर और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए आपका।
देखिए वैसे तो अभी जब से फिल्म रिलीजिंग की तैयारी हुई है, जब से मार्केट में सबको पता चला है, सभी बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास आ रही हैं, अलग अलग तरह के स्टोरीज हैं, और उसमें दो तीन कहानियाँ ऐसी भी आई हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं, और उसमें से एक फाइनल भी किया है मैंने। मैं कैदी नंबर 210 कर रहा हूँ, जो कि रंजीत शर्मा जी प्रोड्यूस कर रहे हैं आशिमा फिल्म्स की, और हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं, जून में उसकी भी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा दो तीन और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे जैसे आगे आते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा आपको। लास्टली अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्यों देखने आए ये आपकी मूवी? मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है ये कुछ हटके है। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी फिल्म है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें काम किया है, और मुझे लगता है कि एक नई चीज़ हम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई सीख यहाँ से लोगों को मिलेगी। और क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को है, तो हमने ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो किस हद तक जायज़ हैं कि नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पूरा मसाला है इसमें, सॉन्ग्स हैं, अच्छा म्यूजिक दिया गया है, और अच्छे सीन्स हैं, अच्छी लोकेशन है, तो कह सकते हैं कि ऑडियंस के लिए पूरा भरपूर मसाला है। इसीलिए मुझे लगता है कि दर्शकों को ये जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो निराश नहीं होंगे। थैंक यू।